हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रविंद्र सिंह और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का न्यू सेशन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, और इस वीडियो में हम कवरअप करेंगे इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन, साथ के साथ एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे और कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में स्टडी करने, वो सारा हम पहले कवरअप करेंगे। देन उसके बाद कंसेप्ट को सीखने के बाद हम एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को कवरअप करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपके टोटल 4 टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। सबसे पहला है व्हाट आर रियल नंबर। कोई भी अगर आप चैप्टर स्टार्ट करो तो सबसे पहले चैप्टर का नेमिंग क्या कहलाता है, उसका क्या मीनिंग होता है, वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। देन उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देन उसके बाद उसकी सम एप्लीकेशन, कि हम उस थ्योरम को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। और देन लास्ट जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आने ही वाला है इसमें, वो है हमारा प्रूविंग इरेशनल नंबर। अब ये चारों टॉपिक को हम वन बाय वन पहले हम सीखेंगे और देन उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो रियल नंबर को समझने से पहले आपको थोड़ा 9th क्लास का थोड़ा कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूँ, बिकॉज आपने 9th क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन करें तो नंबर सिस्टम हमारा दो टाइप में कन्वर्ट होता है। एक होते हैं हमारे रियल नंबर्स और एक होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स आपने हायर क्लास में स्टडी करना है। अगर आप क्लास 11 में मैथ्स लेना चाहते हो देन हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। अभी इस टॉपिक का कोई यूज नहीं है तो इस टॉपिक पे आपको फोकस नहीं करना। अब बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर अगर हम बेसिक टर्म में अगर बोले तो क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सारे के सारे रैशनल और अगर मैं इरेशनल नंबर्स को ऐड कर दूं तो वो हमारे नंबर्स क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स। अब यहाँ पर हमने बात करी रैशनल और इरेशनल। अगर आपको रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस नहीं पता तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जिसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और जिसमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और पी एंड क्यू कैसे नंबर्स होते हैं, बोथ आर इंटीजर्स, मतलब लाइक 1/2, -1/2, 0/1 या फिर 1/-3, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको मैं p/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो दे आर नोन एज रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको मैं p/2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो एवरी रूट नंबर एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। और साथ में जो हमारा एक पाई नंबर होता है, ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर्स होगा। पाई वैसे हमारा न्यूमेरिकली 22/7 और 3.14 होता है, पर वो हम सिर्फ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू यूज करते हैं टू कैलकुलेट दी एरिया या फिर सर्कमफ्रेंस। बट वैसे अगर देखा जाए तो 22/7 हमारा रैशनल है और पाई हमारा इरेशनल नंबर्स होगा, ये आप हमेशा याद रखना। अब बात करें तो इरेशनल नंबर्स के आगे क्लासिफिकेशन नहीं होती, बट रैशनल मैंने अभी बोला कि ये हमारे क्या होते हैं, p/q फ्रैक्शन की फॉर्म में और इंटीजर्स होते हैं। अब आपको बताए कि फ्रैक्शन अगर हम बात करें तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे सपोज आपके पास एक रोटी है, रोटी को अगर आप दो पार्ट्स में कन्वर्ट करोगे और अपने फ्रेंड्स को दोगे तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि आधा टुकड़ा मेरे पास है और माइनस आधा टुकड़ा उसके पास है। आप सीधा उसे पॉजिटिव नंबर बताओगे कि हाफ मेरे पास है, हाफ उसके पास है। या फिर अगर आप पिज्जा के 6 स्लाइस कर रहे तो 1/6 हो गए सारे, तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि नेगेटिव उसको मिला, पॉजिटिव उसको मिला। तो फ्रैक्शन हमेशा हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव में रिप्रेजेंट होता है, और इंटीजर्स जो हमारे नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसलिए हमारे रैशनल भी दो टाइप में होंगे। फ्रैक्शन जो हमारी होल क्वांटिटी किसमें आएगी, पॉजिटिव में आएगी, लाइक हमारा 1/3, 1/2। और इंटीजर्स मतलब जिसमें हमारा जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है जस्ट फॉर न्यूमेरिकल पर्पज के लिए, तो वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा रैशनल नंबर दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन और इंटीजर। और इंटीजर भी आपको बताया कि द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी बन गए और नेगेटिव नंबर्स भी बन गए।
बट आपको बताया कि इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। बट अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात करूं तो वो हमारे क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4। और अगर मैं 0 को रिमूव कर दूं तो वो हमारे नंबर्स क्या बन जाते हैं, नेचुरल। और अगर मैं 0 को ऐड कर दूं तो वो हमारे नंबर्स क्या बन जाते हैं, होल नंबर। तो यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव और पॉजिटिव हमारा दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। एक में अगर मैं 0 इंक्लूड करूंगा तो वो हमारे नंबर्स क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स। और अगर मैं सिर्फ 1, 2, 3, 4 अगर लूंगा तो हमारा नंबर क्या बन गया, नेचुरल नंबर। तो मतलब यहां से हमारी जो क्लासिफिकेशन थी नंबर सिस्टम की वो ऐसे चलती गई। तो ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास में स्टडी कर चुके हो। बट यहाँ पर मैं आपको थोड़े से रिवीजन कर रहा था कि एक्चुअली में रियल नंबर्स होते क्या है। तो अगर आपको कोई अगर पूछे कि व्हाट आर रियल नंबर, तो आप उसे डायरेक्टली बोल सकते हो कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। और रैशनल में ही आपके फ्रैक्शन आ गए, इंटीजर्स आ गए, होल नंबर्स आ गए और नेचुरल नंबर्स आ गए। तो ये था एक बेसिक कंसेप्ट फॉर रियल नंबर्स का। तो अब स्टार्ट करते हैं जो आपके मेन टॉपिक इस चैप्टर में स्टडी करना है। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है, वो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती क्या है कि ये स्टेटमेंट कहते हैं कि जो भी हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर। अब मैंने यहाँ पर बात करी कंपोजिट और प्राइम नंबर्स की, तो सबसे पहले मैं आपको कंपोजिट और प्राइम नंबर्स में डिफरेंस समझा देता हूँ। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो लाइक 4, 6, 8, और मैं इसकी अगर बात करूं तो 2, 3, 5। मतलब एक ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, नंबर इटसेल्फ और 1, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। और अगर जिसके 2 से ज्यादा अगर फैक्टर्स होंगे, जैसे नंबर इटसेल्फ, 1 और एक एनी अदर फैक्टर, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। बिकॉज अगर आप यहाँ पर ध्यान से रखो, 2 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो 1 और 2 ही बनेगा, तो इस करके वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर। और अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, तो इस करके उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो अब आ जाओ यहाँ पर स्टेटमेंट पे। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर है उनको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेशक उनकी जो अरेंजमेंट हो वो आगे पीछे होगी और वो हमेशा यूनिक रहेगी। यूनिक का क्या मतलब है कि अगर मैं कोई भी अगर नंबर है, सपोज यहाँ पर मेरा क्या नंबर ले लिया हमने 40, अगर मैं 40 को रिप्रेजेंट करता हूँ एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर हम इसके 2 मेथड सीखेंगे। एक हमारा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन और एक हमारा होगा फैक्टर 3 मेथड। तो यहाँ पर अभी सिर्फ इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से सिखा रहा हूँ। तो 2 × 20, 2 × 10 जा, 2 × 5 जा, 5 × 1 जा। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो 40 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5। तो दैट मीन्स हमने क्या किया, इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर। अपार्ट फ्रॉम उसकी अगर मैं अरेंजमेंट देखूं तो ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, बट ये नंबर हमेशा यूनिक रहेगा। अगर आप आज अगर इसको कर रहे हो तो तब भी इसके यही फैक्टर्स आएंगे, अगर आप 10 साल बात करोगे तब भी इसी नंबर के यही फैक्टर आएंगे। इस करके वहां पर स्टेटमेंट में यूनिक वर्ड लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर्स है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्राइम नंबर्स में बाय यूजिंग 2 मेथड। अब वो 2 मेथड कौन कौन से है, एक हमारा है फैक्टर ट्री और दूसरा है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूं। अब ये फैक्टर ट्री कैसे करेंगे, जैसे सपोज ये 40 है तो 40 का क्या करेंगे हम, फैक्टर ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले ये किससे जा रहा है, 2 से, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 40 बन जाए 20, देन अगर मैं 2 से किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20 बन जाए 10, अगेन 2 से मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि 10 बन जाए 5। अब 5 तो लास्ट नंबर है और ये हमारा नंबर बन गया फाइनली। तो ये हमारा क्या बन गया, एक अरेंजमेंट बन गई बाय यूजिंग फैक्टर ट्री, और देन इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 40 = 2 × 2 × 2 × 5। और अगर यहाँ पर अगर एक फर्दर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसी नंबर को पहले आपने प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट करना है, देन उसके बाद पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। अब पावर नोटेशन कैसे बनाओगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से रखोगे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, तो यहाँ पर लिख सकते हो 2 की पावर 3, और 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 की पावर 1। तो ये भी आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि अगर सिर्फ ये बोला गया कि आपको इसको सिर्फ प्राइम
प्रिपरेशन करनी है देन आप यहाँ तक कर सकते हो, बट अगर वो फर्दर पूछ रहे हैं कि इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पावर नोटेशन, तो देन आप इस पावर की नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपको दो मेथड आपको कराए जाएंगे जो आप यूज कर सकते हो किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करने में एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर। तो ये था आपका एक सिंपल कंसेप्ट फॉर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में स्टडी करने को है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसमें आपको दो टॉपिक आपको कराए जाएंगे। पहला, आपको दो से ज्यादा नंबर्स दिए होंगे और उस नंबर्स का आपको HCF और LCM फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में सीखा टू रिप्रेजेंट द कंपोजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। अब उन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे और LCM फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं कि फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि आपको HCF और LCM क्या करना है, फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे सपोज नंबर आया 4, 16 and 24, आपको ये तीन नंबर दे रखे हैं और आपको बोल रहा है कि HCF और LCM फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबके फैक्टर्स निकालने। बेशक वो आपको ओरली हो सके बट फिर भी आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा बिकॉज दिखने के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप लिखोगे 4 कैसे बना, जब मैं 2 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। देन उसके बाद आपने 16 नंबर लिया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 1 जा 2। देन अब यहाँ पर 16 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2। देन 24 के आपने फैक्टर्स निकाले, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3। अब यहाँ पर आपको निकालना है HCF। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जब तीनों नंबर्स में आ रहा हो। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, 2 आपका तीनों में नंबर में कॉमन आ रहा है, अगेन अगर आप देखोगे ना 2 अगेन आपका कॉमन आ रहा है। तो ये आपका क्या निकल गया, HCF। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो आपका तीनों में कॉमन आ रहा है वो तो आप लिखोगे ही। देन उसके बाद देखना है कि अगर तीन नंबर है तो तीनों में कॉमन, देन उसके बाद दो में अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो उसको आपने कॉमन लेना है। जैसे अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे दोनों में आपका 2 कॉमन आ रहा है तो उसको आप एक ही नंबर कंसिडर करोगे। देन उसके बाद नॉन कॉमन टर्म को आप एज इट इज यहाँ पर काउंट करोगे। तो आपका नंबर बनेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 16 3 जा 48। तो 48 आपका LCM निकल गया और HCF आपका 4 निकल गया। तो ये आपका एक पहला टॉपिक है जो आपको एप्लीकेशन आपकी यूज होंगी टू फाइंड द HCF एंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड टॉपिक है जो आपका बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो है हमारा रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। और यहां पर आप एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, जो ये आपका रिलेशन है ओनली फॉर 2 नंबर। ये जो आपका रिलेशन अभी आपको हम बताएंगे वो आपका सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड होगा। इसके बाद अगर मोर देन 3 नंबर्स होते हैं तो ये आपका वैलिड नहीं होगा। तो इतना याद रखना। अब वो क्या रिलेशन है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सपोज आपको 2 नंबर दे रखे हैं ए एंड बी, तो HCF जो इन दोनों नंबर्स का होगा मल्टीप्लाई बाय जो इन दोनों नंबर्स का LCM होगा वो बराबर होगा इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं और देन वो बोलेगा कि इसके LCM और HCF फाइंड आउट करें बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। देन उसके बाद इसको वेरीफाई करें रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आप पहले एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी हमने पहले सीखा उससे आप निकालोगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे और दोनों नंबर्स को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई भी करेंगे। देन देखेंगे कि वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा। पहला टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स गिवन होंगे और देन LCM आपको गिवन होगा, आपको HCF पूछेगा फाइंड आउट करने के लिए, या फिर LCM आपसे पूछ सकता है, या फिर आपको LCM और HCF गिवन है और वो बोलेगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होगा। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या 2 नंबर्स आपको दे रखे हैं, क्या उन दोनों नंबर्स का ये HCF होगा नहीं होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो इसलिए ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए बिकॉज 1 मार्कर क्वेश्चन आपका इस टॉपिक पे आ सकता है कि आपको 2 नंबर्स गिवन है, HCF गिवन है और LCM इजीली निकालो। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन
आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस करके रिलेशन को याद रखना कि आपका पहला फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में यूज होगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रूविंग इरेशनल नंबर। अब यहां पर सबसे पहले इरेशनल नंबर समझते हैं। जितने भी हमारे रूट वाले नंबर होते हैं एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये इरेशनल नंबर्स होते हैं बिकॉज ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। बिकॉज अगर मैं इस रूट की वैल्यू निकालूं बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड तो ये हमारा क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, कभी रिपीट ही नहीं करेगा। तो इस करके ये हमारा इरेशनल नंबर है। बट यहाँ पर आपको प्रूव करना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो फिर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम आपको कुछ प्रोसीजर, आपको पैटर्न सिखाएंगे जो आपने फॉलो करना है, और उसी के हिसाब से आप किसी भी नंबर को प्रूव कर सकते हो कि हमारा इरेशनल नंबर है। अब टाइप कौन कौन से आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको तीन टाइप के क्वेश्चन आपको अराइज हो सकते हैं जिसको आपने प्रूव करना है इरेशनल नंबर। पहला, जो आपका ऑलरेडी रूट में नंबर होगा तो उसको आपने फाइंड आउट करना है कि हमारा इरेशनल नंबर है या कैसे है, तो आप प्रूव करना आपको सिखाएंगे। सेकेंड, द कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, आइदर वो एड हो या फिर वो सब्ट्रैक्ट हो और उसके साथ कोफिशिएंट लगाओ, या फिर 3+√7 हो, तो मतलब कोई भी दो नंबर हो सकते हैं बट वो कम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल हो सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप का जो आपका क्वेश्चन हो सकता है वो हमारा कि दोनों के दोनों हमारे रूट वाले नंबर हो सकते हैं, आइदर वो एड में हो या फिर वो सब्ट्रैक्ट में हो या फिर उसके साथ कोई कोफिशिएंट लगा हो। तो मतलब अलग अलग टाइप के आपको पैटर्न आपको बताए जाएंगे। इस क्वेश्चन का पैटर्न अलग है सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन के प्रोसीजर आपका डिफरेंट है और इसका डिफरेंट है और इसका डिफरेंट है। तो ये तीनों को हम आगे कंप्लीट करेंगे जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये तीन मेथड आपको प्रूविंग के लिए सीखना है। तो ये था आपका एक बेसिक कंसेप्ट जो हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो अब इन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, और आपको नंबर दे रखा है 140। तो ये अगर आप ध्यान से रखोगे तो 140 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 140 2 से डिविजिबल है, तो 2 7 जा 40 0, 2 3 जा 6, 1 उधर गया तो 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपने सीरियल ऑर्डर में ही करना है, पहले अगर आपके माइंड में 7 स्ट्राइक करो तो आप 7 से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे 140 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 7। तो ये होगी हमारी ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे तो सेकंड पार्ट आपको दे रखा है 156। तो सबसे पहले हम 156 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से डिविजिबल है बिकॉज आपकी यूनिट प्लेस आपकी इवन है, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से डिविजिबल, 3 1 जा 3, 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो 156 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 3 देखिए, यहां पर आपको दे रखा है 3 8 2 5। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपको दिख रहा है कि यूनिट प्लेस आपका 5 है तो आप डायरेक्टली 5 से डिविजिबल कर सकते हो, बेशक वो आपका 3 से डिविजिबल हो, पर आपको आपको ऑर्डर नहीं देखना, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने 5 से डिविजिबल किया, 5 7 जा 35, 3 5 जा 32, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, अगेन 5 आ रहा है तो आप 5 से डिविजिबल करोगे, 5 1 जा 5 26, 5 5 जा 25 3 जा। अब आपको दिख रहा है कि दे आर डिविजिबल बाय 3, ये नहीं कि यूनिट प्लेस आपका 3 है, आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो कि आपका 9 बन रहा है, 9 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर आप 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन आपका 3 से, 3 1 जा 3 17, तो 17 1 जा 17। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 3 8 2 5 बराबर है 5 × 5 × 3 × 3 × 17। तो ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 5005। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब ये किससे जाएगा, 2 से जा नहीं सकता, 3 से जा नहीं सकता, तो 11 से देखा, 11 9 जा 99, 11 1 जा 11। अब आपको बताएगी 19 7 के टेबल में आ सकता है बिकॉज 13 7 जा, तो यहाँ पर आपने लिखा 13,
और 13 बन जाए 13। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने आगे पीछे नंबर से डिवाइड किया, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, बिकॉज स्टेटमेंट भी कहती है कि आपका ऑर्डर जैसे मर्जी हो। तो 5005, बट यहाँ पर आप जब रिप्रेजेंट करोगे वो आपका असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो 5 × 7 × 11 × 13, तो ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब नेक्स्ट बात देखिए 7429। अभी एक ऐसा नंबर है जिसमें आप बार बार चेक करोगे कि यार किससे नंबर जा रहा है, बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, बट ये एक ऐसा नंबर है जो काफी ज्यादा बड़े नंबर से डिविजिबल होता है। बिकॉज 7429 में अगर आप डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो 3 से नहीं जा रहा, देन उसके बाद 2 से तो वैसे नहीं जा रहा, तो 2 के जितने भी मल्टीप्लाई 2, 4, 6, 8, 12 वगैरह उससे भी नहीं जाएगा। देन आप उससे 5 से देखोगे तो आपका यूनिट प्लेस 5 नहीं है, 10 से भी नहीं जाएगा, 15 से भी नहीं जाएगा। देन उसके बाद अगर आप 7 से देखोगे तो 7 से डिविजिबल नहीं है, 13 से डिविजिबल नहीं है, तो देन ये किससे डिविजिबल है? तो 13 तक आप चेक कर लोगे, देन उसके बाद आपका 17 नंबर आएगा। तो अगर आप डायरेक्टली इसे नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर अपना लॉन्ग अपना मेथड भी लगा सकते हो, जिससे आप इस पर डिवाइड इजिली कर लो। तो यहाँ पर हमें पता था कि ये 17 से जाए तो हम 17 से, और वन बाय वन आपने चेक करना है। और डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो 17 से अगर करेंगे तो 17 × 5 = 85, बट यहाँ पर हम किससे करेंगे 4 से, तो ये आपका कितना बन गया 68। तो यहाँ पर कितना बन गया 6, और यहाँ पर आपका क्या गया 2। अब यहाँ पर 68 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर मतलब 3 से जाएगा तो 51। तो यहाँ पर आपका कितना 1 1, और यहाँ पर आपका कितना आ गया 9। अब 119 आपका कब आएगा 7 से, तो 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 11, तो ये आपका डिविजिबल हो गया। तो दैट मीन ये आपका चला गया 437, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 17, यहाँ पर आपका आ गया 437। अगेन अगर आप देखोगे तो आपको बताया कि 17 तक तो हमने चेक कर लिया कि ये डिविजिबल नहीं हो रहा। अब दोबारा आपने 1 से लेकर 17 तक चेक नहीं करना। अब 17 के बाद हमारा प्राइम नंबर कौन सा है 19। अब इसको आप 19 से चेक करोगे, तो जैसे अगर आप 19 से चेक किया तो यहाँ पर अगर आप डिविजिबल देखोगे 2 × 38, तो यहाँ पर आपका कितना बन गया 13 में से 8 गए 5, और यहाँ पर आ गया 7, तो इसको कितना गया 3 से, तो 57 डिविजिबल। तो दैट मीन यहाँ पर आपका कितना आ गया 23। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, जब अपना पहला नंबर चूज कर लिया तो दोबारा वो स्टार्टिंग से चेक करने लग जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये टॉप क्वेश्चन ऐसे करके दिखा रहा हूँ। अब इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, तो अगर हम इसके फैक्टर्स लिखे तो फैक्टर्स क्या बन गए 17, 19 एंड 23। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स इस नंबर का। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर और एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम एंड बिटवीन द टू नंबर्स। और यहां पर आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है 26 एंड 91। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकालोगे, देन उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करके देन हम फर्दर वेरीफाई करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले 26 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो 2 × 2, 2 × 3 = 6, और 13 × 13। तो यहाँ पर हमारा 26 क्या बन गया 2 × 13। 91 अगर हम निकालें तो 7 × 7, 7 × 3 = 21, 13 × 13। तो यहाँ पर 91 क्या बन गया 7 × 13। अब यहाँ पर अगर हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या था द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों नंबर्स का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 13 आपका कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ आपका क्या निकल गया 13। और एलसीएम अगर हम बात करें तो एलसीएम क्या होता है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो चीज, और बाकी जो नॉन कॉमन टर्म है वो चीज। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो 13 × 14। अब इसको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता तो आप रफली कर सकते हो 4 × 12, 4 × 4 = 5, 3 × 1, तो 182। तो ये आपका निकल गया एलसीएम और ये आपका निकल गया एचसीएफ। अब ये तो आपका निकल गया एचसीएफ और एचसीएफ। अब फर्दर वो क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए, तो यहाँ पर आपका रिलेशन क्या था HCF multiply by LCM is equal to product of two number। तो सबसे पहले हम LHS solve करेंगे। तो LHS की बात करें तो HCF multiply by LCM, HCF आपका निकला 13 और वो आपका निकला 182। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 182 multiply by 13, 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 5, 2 × 8 = 1, तो 6 6 3 2, तो ये आपका निकल गया 2 3 6 6। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और दो नंबर आपको कौन से दे रखे हैं 26 एंड 91। इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे, ये नहीं कि डायरेक्टली आप इसको लिख दोगे। कई बार क्या होता है कि मल्टीप्लाई पहले गलत किया होता है और हम वही लिख देते हैं, तो इसलिए आपने क्रॉस चेकिंग करनी है। 1 6 = 6,
वन टू या टू, सिक्स नाइन या 54, टू नाइन या 18, 18 और 5 23, तो 6632। तो दोनों में आंसर आपका सेम आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे LHS बराबर है RHS, हेंस वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। पार्ट नंबर टू अगर देखें तो आपको वैल्यू दे रखे 510 और 92। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 510 के फैक्टर्स निकालेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5, 3 1 3, 3 7 21 और 17 1 17। तो यहाँ पर आपका 510 आपका क्या बन गया, 2 × 3 × 5 × 17। अब हम 92 निकालेंगे। 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6 और 23 1 23। तो यहां पर आपका बनेगा 92 = 2 × 2 × 23। अब HCF फाइंड आउट करना है तो दोनों में हमारा कॉमन फैक्टर, तो अगर आप ध्यान से देखोगे सिर्फ 2 का आपका कॉमन आ रहा है, बाकी सारे नॉन कॉमन टर्म है। और अगर हम LCM देखें तो जो आपका कॉमन है वो बाकी जो आपकी नॉन कॉमन टर्म है आप उसको एज इट इज लिख दोगे। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 4 5 20, 23 60, × 17, × 23। अभी 6 7 42, तो 1 0 2 0 × 23। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 2 0 × 23, 0 3 2 6, 0 3 0 4 0 2, तो 0 6 4 3 2, तो 2 3 4 6 0। अब यहाँ पर आपका एलसीएम और एचसीएफ निकल गया, तो यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे LHS HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, HCF आपका निकला 2 और ये आपका निकला 2 3 4 6 0। तो 2 0 2 6 12, 2 4 8 9, 2 3 6, 2 2 4, तो 4 6 9 2 0 आपका निकल रहा है HCF into LCM। अब हम निकालेंगे RHS, RHS में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आपको नंबर दे रखे 92 × 510, तो 92 को 510 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 2 9 5 2 10 5 9 45 46, तो 4 6 9 2 0, तो यही आपका आंसर आ रहा है LHS में। तो यहाँ पर आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 336 और 54। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 54 के फैक्टर होंगे 2 2 4, 2 7 14, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, देन उसके बाद 336, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 42 21, 3 7 जा और 7 1 जा। तो यहां पर आपका बनेगा 336 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, और आपका 54 आपका बनेगा 2 × 3 × 3 × 3। तो अगर यहाँ पर हम बात करें HCF की, तो HCF आपका क्या बनेगा 2, और अगर आप ध्यान से देखो तो 3 आपका कॉमन आ रहा है, बाकी आपका कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये आपका बन गया HCF। और अगर हम LCM की बात करें तो जो आपका कॉमन आया सबसे पहले उसको लिख लोगे, देन उसके बाद नॉन कॉमन टर्म 2 × 2 × 2 × 7 × 3 × 3, और ध्यान से वैल्यू को लिखना है, अदरवाइज क्या होता है कई बार छूट जाती है, तो इसलिए ये गलती मत करना। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 3 9, 9 7 63। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 48 × 63, 3 8 24, 3 4 12, 12 + 2 14, 6 8 48, 6 4 24, 28, 4 2 8 9 10, 3 0 2 4। तो ये निकल गया हमारा LCM और ये आपका HCF। अब हम वेरीफाई करेंगे, तो यहां पर हम LHS लिखेंगे, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, HCF आपका निकला 6 × 3 0 2 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 2 4 × 6, 6 4 12, 6 2 12, 14, 0 1, 6 3 18, तो 18 144। अब हम RHS निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 336 × 54,
तो 336 इंटू 54 करेंगे, 6 4 जै 24, 4 जै 12 14, 4 जै 12 13, 5 6 जै 30, 5 3 जै 15 18, 5 3 जै 15 16, तो 4 4 8 11 6 7 8 1 1 8 144, तो यही आपका एलएचएस आ रहा है और वही आपका आरएचएस, तो हेंस वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का सलूशन, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आपको ऐसी पैटर्न से आपको प्रोसीजर फॉलो करना है और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके आना है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यहां पर आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है 12 59 21। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आपको सेपरेटली तीनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करने और इसको रिप्रेजेंट करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और देन उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करना है, तो यहां पर आप देखोगे, तो सबसे पहले आप 12 नंबर का फैक्टर्स निकालोगे, 2 6 जै 12, 2 3 जै 6, 3 1 जै 3, और देन उसके बाद यहां पर हम अनदर नंबर का फैक्टर्स निकालेंगे, 3 5 जै 15, 5 1 जै 5, और देन यहां पर हम 21 का, 3 7 जै 21, 7 1 जै 7। अब यहां पर हम 1 by 1 इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो 2 into 2 into 3, 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5, और 21 को हम लिख सकते हैं 3 into 7। अब एस सी एफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 3 आपका तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया आपका एस सी एफ। और एल सी एम क्या होता है, जो तीनों में कॉमन आए, देन उसके बाद 2 में कॉमन आए, बट 2 में भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप उसको एच डी लिख दोगे, और इसको आप मल्टीप्लाई भी करके आ सकते हो और एच डी भी छोड़ के आ सकते हो। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 2 जै 6 और इंटू 70, 6 7 जै 42, तो 420 आपका एल सी एम और एस सी एम आपका 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है 17, 23 एंड 29, बट अगर आप ध्यान से रखोगे तो ये पहले से ही प्राइम नंबर्स हैं, तो 17 को आप डायरेक्टली लिख सकते हो 17 1 जै 17, 23 आपका बनेगा 23 1 जै 23, और 29 को हम लिख सकते हैं 29 1 जै 29। तो एस सी एफ आपका डायरेक्ट निकल गया, जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो है हमारा 1, और एल सी एम क्या होगा, जो तीनों का प्रोडक्ट। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर फाइंड आउट करें, तो मेरे को कमेंट करके आप बताओगे कि इन तीनों का प्रोडक्ट आपका कितना आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो आपको दे रखा है 8 9 एंड 25। तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 4 जै 8, 2 2 जै 4, 2 1 जै 2, 9 के फैक्टर्स निकाले, 3 3 जै 9, 3 1 जै 3, और देन 25 के फैक्टर्स निकाले, 5 5 जै 25, 5 1 जै 5। तो यहां पर आप लिखोगे 8 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 25 बराबर है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, दैट में सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे एस सी एफ इज इक्वल टू 1, और एल सी एम क्या होगा, जो तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 8 into 9 into 25, क्योंकि मैंने दोबारा वही नंबर लिख दिए, तो अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 5 जै 40, 8 2 जै 16, 200 into 9, तो ये आपका कितना आ गया, 1800। तो ये हो गया हमारा एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड के तीनों पार्ट का इजी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, यहां पर आपको दे रखा है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 9 एंड एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आपको 2 नंबर का डायरेक्टली एचसीएफ गिवन है और आपको उन्हीं 2 नंबर का एलसीएम निकालना है। तो यहां पर हम लॉन्ग डिविजन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं सॉल्व करेंगे, यहां पर आपको एक रिलेशन बताया था पहले मैंने कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो इसी रिलेशन को यूज करेंगे और डायरेक्टली एलसीएम को कैलकुलेट करेंगे। सपोज यहां पर आपने लेट कर लिया कि एलसीएम हमारा क्या है, एक्स है, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना है, 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 2 नंबर कौन कौन से हैं, 306 मल्टीप्लाई बाय 657। अब बच्चे क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 9 से डिवाइड करेंगे, नहीं, अब डायरेक्टली 9 से उसको डिवाइड कीजिए, तो 306 मल्टीप्लाई बाय 657 होल डिवाइडेड बाय 9, 3 3 जै 9 102, 3 1 जै 3, 3 2 जै 6, 3 1 जै 3, 3 9 जै 27। तो ये आपका निकल गया 219, 102, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 219 into 102, 2 9 जै 18, 2 1 जै 2 3, 2 2 जै 4, 0 0 0, 9 1 2, तो 8 3 13 2 2,
तो आंसर कितना आ गया 22338। तो यहाँ पर आप लिखोगे द एलसीएम ऑफ 306657 इज इक्वल टू 22338। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि क्या 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर n नेचुरल नंबर। आपको यहां पर बताना है कि क्या 6 की पावर n कभी उसकी यूनिट प्लेस 0 आएगी नहीं आएगी। यहां पर आपको नंबर दे रखा है 6 की पावर n और n हमारा यहां पर क्या मेंशन है, नेचुरल नंबर। अगर सपोज फर्स्ट केस मैं n की वैल्यू क्या लेता हूं, 1 लेता हूं, तो 6 की पावर 1 तो यूनिट प्लेस कितना आया, 6 आया, 0 आया नहीं आया। सपोज मान लो मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं तो 6 की पावर 2 तो कितना आया, 36। क्या यूनिट प्लेस 0 आया, नहीं आया। अगर सपोज मान लो मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं, 6 की पावर 3 216 तो क्या 0 आया, नहीं आया। तो मतलब अब एक नंबर देख लिया, दो नंबर देख लिया, तीन, अब नेचुरल नंबर तो जितने मर्जी हो सकते हैं, तो हम क्या सारे नंबर चेक करेंगे, नो। तो हम कैसे डायरेक्टली बता सकते हैं, हम उस नंबर के फैक्टर्स को देखेंगे। आपको बताया कि 0 आपका कब बन सकता है, या तो वो डायरेक्टली 10 हो यहाँ तो वो मल्टीपल ऑफ 5 और 2 हो, तभी वो नंबर हमारा क्या बन सकता है, 0 बन सकता है। क्योंकि 10 बनाने के लिए आपके फैक्टर्स 2 और 5 होने चाहिए, तभी वो आपका यूनिट प्लेस क्या बनेगा, 0 बनेगा। पर अगर हम यहाँ पर 6 के फैक्टर्स देखें तो फैक्टर ऑफ 6 क्या बने, 2 और 3 बने। तो मतलब 3 एक एक्स्ट्रा नंबर है, पर यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या है, 5 है। तो मतलब 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 फॉर n नेचुरल नंबर, बिकॉज टू मेक 6 की पावर n 0 तो इट हैज फैक्टर ऑफ 5, बट देर विल बी सम मिसिंग फैक्टर 5। तो इस करके ये कभी भी आपका यूनिट प्लेस 0 नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पास फैक्टर नहीं है। और बनाने के लिए ऑलवेज आपके पास फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे नो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 व्हेन n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर आपको दो पार्ट दे रखे हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड 7 इनटू 6 इनटू 5 इनटू 4 इनटू 3 इनटू 1 इनटू प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, अब कंपोजिट नंबर पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो, वन नंबर इटसेल्फ एंड एनी अदर फैक्टर। तो वही चीज यहां पर चेक करेंगे, पर यहां पर आप पूरे नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके ऐड तो करोगे नहीं। तो यहां पर आपने कुछ पैटर्न को ध्यान से देखना है। अगर हम इन दो टर्म को देखें ध्यान से, तो इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। तो आप 13 को बाहर ले लोगे, और जैसे ही आप 13 को बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा। अब इसको आप सॉल्व करो या फिर आप डायरेक्टली देखो, एक 1 नंबर बन गया, एक 13 बन गया और एक एनी अदर नंबर बन गया। पर अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहो तो कर सकते हो, 13 इंटू 77 प्लस 1 78 इंटू 1, तो इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, नंबर इटसेल्फ, 1 एंड एनी अदर फैक्टर। बिकॉज 17 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो इस करके यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहां पर आप लिखोगे इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, तो देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। और अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो यहां पर अभी अगर आप देखोगे तो दोनों में क्या को बना रहे, 5 को बना रहे। तो यहां पर आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। एक ये पूरा नंबर, एक ये एक नंबर और एक ये नंबर, तो इसके भी क्या आ रहे हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। तो इस करके ये सेम रीजन यहाँ पर आप अप्लाई करोगे और डायरेक्टली लिख दोगे इट इज ए कंपोजिट नंबर, बिकॉज इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, तो देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है, एक सर्कुलर पार्क है जिसमें 2% राउंड लगा रहे हैं। सोनिया क्या कर रही है, 18 मिनट लगा रहे हैं एक पूरा कंप्लीट राउंड को कंप्लीट करने में, और रवि क्या कर रहा है उसी राउंड को पूरा कंप्लीट करने में 12 मिनट लगा रहे हैं। अगर स्टार्टिंग से अगर वो दोनों सेम पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं तो दोबारा कितने मिनट के बाद वो दोबारा अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, तो वो चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सोनिया को कितने मिनट लगे, 18 मिनट्स लगे टू कंप्लीट द वन राउंड, और रवि को अगर देखे जाए तो कितने मिनट लगे, 12 मिनट लगे।
अब अगर वह अगेन स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में अगर जाते हैं, तो दोबारा वो कितने मिनट में दोबारा आपस में मीट करेंगे, तो दैट मीन्स वो आपका मिनिमम मिनट है। तो मिनिमम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 18 मिनट को 2 × 3 × 3, और 12 के अगर हम फैक्टर्स निकाले तो 2 6 12, 2 3 3 1, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, तो ये आपका बन गया 2 फैक्टर कॉमन आ रहा है। एलसीएम में अगर हम निकाले तो 2 3 आपका कॉमन आ रहा है, और बाकी जो नॉन कॉमन टर्म है उसको आप एलसीएम लिखोगे 3 × 6 = 36 मिनट। मतलब आफ्टर 36 मिनट वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन मीट करेंगे, बिकॉज पहले वो 1% ज्यादा जल्दी कर रहा है और 1% लेट कर रहा है। तो अगर वो दोनों एक साथ अगर चलते हैं तो दोबारा मीट करने में तो समय तो लगेगा, क्योंकि जो लेट कर रहा है उसको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिससे वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट कर सके। तो दैट मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पर आपको 36 मिनट लगेंगे जब ये दोनों आपस में स्टार्टिंग पोजिशन में अगेन मीट करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का इजी सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.2 आपकी बेस्ड है टोटली प्रूविंग द इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और कैसे हम इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चन को प्रूव करते हैं तो वो भी आपको क्वेश्चन में ही आपको सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रूव दैट द रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कि आपको एक रूट 5 नंबर दे रखा है और आपको ये प्रूव करना है कि वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आपने कुछ प्रोसीजर फॉलो करना है, जिसको आपने इस टाइप के क्वेश्चन में आपने फॉलो करना है। अगर आपको एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे रखा है जिसमें सिर्फ एक ही नंबर दे रखा है विद इन रूट, तो आपने वहां पर ये वाला पूरा पैटर्न फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कैसे करेंगे, आपको बताया कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक ऐसे नंबर जिसको मैं पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर हम इसके जस्ट अपोजिट चलेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट अस अज्यूम रूट 5 बी रैशनल नंबर। हम इसको क्या मान लेंगे, ये रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो दैट मीन्स इसको हम a बाय बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, और a और b हमारे कैसे नंबर्स होंगे, दे आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि रूट 5 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, जो भी आपके यहाँ डिनोमिनेटर में टर्म है उसको आपने मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपकी टर्म बच जाएगी रूट 5 बी बराबर है a के, और देन आपने यहाँ पर पहला स्टेप फॉलो करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टू रिमूव द रूट फ्रॉम दिस टर्म, तो इसलिए यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी। तो रूट 5 बी का होल स्क्वायर बराबर है a का होल स्क्वायर, तो ये आपका बन गया 5b² = a² 5 या मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो यहाँ पर आपका टर्म क्या बन गया, a² / 5। अब यहाँ पर एक रिलेशन बन गया, रिलेशन क्या बन गया कि a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर a स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से, तो a भी एक ऐसा नंबर हो जाए जो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि 5 डिवाइड a स्क्वायर, तो देयरफॉर 5 इज आल्सो डिवाइड a, क्योंकि अगर हम उसका स्क्वायर अगर a से डिविजिबल है तो a भी तो एक ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। तो दैट मीन्स कि a हमारा कैसा नंबर बन गया, मल्टीपल ऑफ 5 बन गया। तो यहां पर आप लेट करोगे, लेट a इज इक्वल टू 5c लेट कर लोगे, वेयर c इज सम इंटीजर, और इस रिलेशन को आप मार्क कर लोगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये चीज आपकी यहाँ पर लेट होगी, तो हम इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे b² = 5c² / 5, तो b² = 25c² / 5, 5 × 5 = 25, तो ये आपका बन गया 5c² 5 या मल्टीप्लाई वाइज आके डिवाइड, तो c² = क्या बन गया, b² / 5। जैसे यहाँ पर हमने रिलेशन निकाला a² / 5, अब यहाँ पर भी वही रिलेशन निकल गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे 5 डिवाइड b², तो देयरफॉर 5 इज आल्सो डिवाइड b, तो देयरफॉर b हमारा कैसा नंबर बन गया, मल्टीपल ऑफ 5 बन गया। तो यहां पर हम इसको क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2, और वेयर d इज सम इंटीजर। तो अगर हम इन दोनों रिलेशन को देखें तो a हमारा क्या है, 5c, और b हमारा है 5d। तो दैट मीन्स दोनों के अगर मैं कॉमन फैक्टर देखूं, दोनों के कॉमन फैक्टर कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं।
बट अगर हम अबव एजम्पशन देखें तो यहाँ पर हम दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना था, वन था, ऊपर वन कह रहा है नीचे अगर फाइव आ रहा है तो दैट मीन दोनों का एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर फाइव बट आर अबव अजम्पशन इज दैट ए एंड बी हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज वन। सो आवर न्यू कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट फाइव इज रैशनल। सो वी कंक्लूड दैट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। तो ये आपने एक पूरा स्टेटमेंट लिखकर आनी है तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को दोबारा आपको रिवाइज करवा लेता हूं। सपोज आपको आ गया क्वेश्चन कि रूट फाइव इज इरेशनल, आपको प्रूव करना है, तो आपने सबसे पहले इसको अज्यूम किया कि वो हमारा क्या रैशनल है। अगर वो रैशनल है तो उसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है, नीचे वाले पार्ट को मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट को रिमूव कर देना है, और देन रिलेशन फाइंड आउट करना है कि एक नंबर को दूसरा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखा कि अगर एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो पर्टिकुलर नंबर भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से रिलेशन पता चल गया कि एक ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है। तो देन आपने उसको एक 5 सी लेट करके उसको यहाँ वैल्यू पुट अप करी, तो देन यहाँ से आपका एक अनदर बी का रिलेशन निकल गया। और देन दोनों रिलेशन को देखते हुए देखा कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 5 आ रहा है, बट अबव रिलेशन ये था कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1। तो ऊपर और नीचे वाला मिसमैच हो गया जिस करके हमारी अजम्पशन रॉन्ग होगी, और एक नया कॉन्ट्रडिक्शन राइज हो गया जिस करके इनकरेक्ट अजम्पशन हमारी रॉन्ग है, और यहां से पता चल गया कि रूट फाइव हमारा क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं लाइक रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट इलेवन, तो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है और नंबर जो आपको दे रखा है उस हिसाब से वहां पर यूज करते हुए इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करके आना है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पर आपको कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अभी आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें सिंगल एक रूट वाला टर्म थी, यहां पर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फॉलो हम करेंगे एक अनदर पैटर्न। अब वो क्या है तो आप 1 by 1 पूरा प्रोसीजर को देखें और क्वेश्चन को समझें। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 बी रैशनल नंबर। आपने इसको क्या मान लेना है, रैशनल नंबर मान लेना है। तो अगर ये हमारा रैशनल है तो दैट मीन इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे 3 + 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए और बी हमारे कैसे नंबर्स है, इंटीजर्स, और बी हमारे कैसे रहे, कोप्राइम। कोप्राइम मतलब जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। अब यहां पर आपने क्या करना है, जैसे हमने पहले वाले टाइप में क्वेश्चन में हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी थी, यहां पर आपने ऐसा नहीं करना, यहां पर आपने रैशनल वाले टर्म को सेपरेट आउट करना है। अब कैसे पता चलेगा, ए और बी हमारे इंटीजर है तो दैट मीन ये रैशनल है, 3 हमारा एक नॉर्मल नंबर है, बिकॉज इसके नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो ये रैशनल बन गया। तो इसको हम सेपरेट करेंगे राइट हैंड साइड, तो 2√5 बराबर है ए अपॉन बी माइनस ऑफ 3। सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे तो आपका बनेगा ए माइनस 3b अपॉन बी। अगर मैं इन दोनों नंबर्स में देखूं तो √5 इज इरेशनल बट 2 इज रैशनल, तो इस 2 को भी हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड, तो आपका बन गया √5 इज इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन 2b। अब इस रिलेशन को आपने ध्यान से देखना है, ए बी और 2 और 3 सारे नंबर्स हमारे क्या है, रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, रैशनल होगा। तो यहां पर आप लिखोगे ए माइनस 3b अपॉन 2b इज ए रैशनल, सो देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रैशनल। अगर राइट हैंड साइड अगर रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, रैशनल होगी। बट हमें ये पता है कि एवरी रूट नंबर एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है। बट दी कॉन्ट्राडिक्ट दी फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। तो यहां पर आप लिखोगे तो आवर न्यू कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन
बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 3 + 2√5 इज रैशनल. सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल. तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को पूरा प्रूव कर सकते हैं. तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके, एक आपका सिंगल रूट वाला क्वेश्चन आ सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल वाला भी आ सकता है. बट अगर आप चाहते हो कि एक तीसरा टाइप भी है जिसमें आपके दोनों वैल्यूज आपकी रूट में हो, तो अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं. बिकॉज उस सिंगल वीडियो में मैंने इन तीनों टाइप को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है. तो अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं विद अनदर अलग नंबर के साथ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद. तो अब आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 1.2 का. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर आपके लिए मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं. बट क्वेश्चन क्या है, प्रूव द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर. और ये आपके बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. इस करके आपका टाइम में वेस्ट हो तो मैं यहां पर आपको पहले से ही सॉल्व कर चुका हूं, पर आपको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं. पहला पार्ट आपको कह रहा है 1/√2 को आपको प्रूव करना है कि दे आर इरेशनल नंबर. तो सबसे पहले आपने उसको अज्यूम किया 1/2 इज रैशनल. तो ये अगर रैशनल है तो उसको हम a / b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर a b आर इंटीजर और देयर एचसीएफ इज 1. तो यहां पर आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करनी, यहां पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो b / a बन गया इज इक्वल टू 2. अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड अगर रैशनल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, रैशनल. बट हमें यह पता है कि रूट टू क्या है, इरेशनल. तो हमारा नया कॉन्ट्रडिक्शन निकल गया जिस करके वो हमारा क्या बन गया, इरेशनल बन गया. तो आप ऐसे ही आप इसको प्रूव कर सकते हैं. सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सिमिलर है 7√5. इसमें हमने क्या किया, सेपरेटिंग किया रैशनल वाले पार्ट को और इरेशनल वाले पार्ट को, लेफ्ट साइड रखा. फिर हमारा एक नया एजम्पशन बन गया जो रॉन्ग हो गई. तो आप ऐसे इसे कॉपी कर सकते हो. और थर्ड टाइप का आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर था. तो आप यहां से सिर्फ नोट डाउन कर सकते हो, आप इसको खुद प्रैक्टिस करोगे. और ये थे आपके एक्सरसाइज 1.2 के तीनों क्वेश्चन का इजी एक्सप्लेनेशन. तो आई होप आपको ये सारे टाइप समझ आ गए होंगे. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. और कमेंट करके बताइए कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें. तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ.